हमने जो फूल चुने दिल में चुभे जा उससे वफा का शहर है और हम हैं दोस्त तो अपने घर को चलते देखा मुझे कुछ ना बोल जरा बिरहा की बैरी रहना बीते नहीं हाय रे चंदा तो समरिया ने हाय दिया बड़ा दुख दीनो बड़ा तुम भूल गए हर बात मगर तेरा प्यार नहीं भूल आइए दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तानी गायिका नसीम बेगम की। जब से तू पिछड़ा है मुझसे दिल है पारा पारा अभी जा दिलदार। इनका जन्म 24 फरवरी 1936 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इन्होंने प्रसिद्ध गजल गायिका फरीदा खानम से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा हासिल की थी। पार्श्व गायिका के तौर पर इन्होंने सबसे पहले गुलाम अहमद चिश्ती के संगीत निर्देशन में साल 1956 की फिल्म गुड्डी गुड्डा के लिए गाया था। इनकी गायकी से संगीतकार मियां शहरयार काफ़ी प्रभावित हुए और इनको साल 1958 की फिल्म बेगुनाह में गाने का मौका दिया। साल 1960 तक एक पार्श्व गायिका के तौर पर इनकी पहचान पाकिस्तानी फिल्म जगत और पूरे पाकिस्तान में बन चुकी थी। दर्द भरे गाने गाने के कारण इनको ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता था। रातों का पिछला पहर है और हम हैं दोस्त तो अपनी दिल में चुभे जाते हैं हमने जो अभी जा दिलदारा अभी जा दिलदारा जब से तू पिछड़ा है मुझसे दिल है प्रीतवा के फूल पतझड़ में लगाए रे चंदा तोरी। नसीम बेगम ने साल 1960 से 70 के बीच गुड्डी गुड्डा करतार सिंह सलमा सहेली घूंघट शहीद औलाद बाजी दुल्हन एक तेरा सहारा हवेली फरंगी बेटी कनीज और पायल की झनकार जैसी फिल्मों के लिए गाने गाए। नसीम ने मुखड़ा चनवरगा मेरा वीर चनवीर जैसी पंजाबी फिल्मों के लिए भी गाने गाए। नसीम के निजी जीवन की बात करें तो इन्होंने लाहौर में दीन मोहम्मद नाम के एक पुस्तक प्रकाशक से शादी की थी। नसीम को साल 1960 की फिल्म साम डले 61 की शहीद 63 की बाजी और 64 की लुटेरा के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का निगार पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया था। इनकी आवाज़ काफ़ी हद तक मल्लिका तरन्नुम नूरजहां से मिलती थी इसीलिए पाकिस्तानी श्रोता काफ़ी दिनों तक इनका गाया हुआ एक देशभक्ति गीत नूरजहां का गाया हुआ समझते रहे थे। तेरा है हक के शहीदों वफा की तस्वीर। गाने की लोकप्रियता को देखकर इसका प्रयोग साल 1966 की फिल्म वतन में भी किया गया। तुम्हें वतन की हवा
इन्होंने 5 बच्चों को जन्म दिया था। सबसे छोटे बच्चे के जन्म के दौरान 29 सितंबर 1971 को लाहौर के एक अस्पताल में इनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के समय इनकी उम्र मात्र 35 वर्ष थी। इन्हें मियानी साहिब कब्रिस्तान लाहौर में दफनाया गया था। हर वक्त